हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन पे। स्टूडेंट्स, आज से हम ट्वेल्थ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और ट्वेल्थ फिजिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहला चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड हम जो डिस्कस करेंगे वो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फोर्थ इज द कैपेसिटर। इन चारों को स्टूडेंट्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट चार्ज एंड स्टूडेंट स्टैटिक मींस रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम चार्ज की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, चार्ज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था अराउंड 600 BC by Greek scientist Thales। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखिए, चार्ज स्टूडेंट, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब स्टूडेंट ये इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनबिल्ट, खुद का ही समझ सकते हैं अपन। अब इसको समझना क्या है, चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, अब ये कैसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जो मैटर होता है स्टूडेंट्स वो एटम्स से मिलकर बना होता है, और जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट वो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। हम एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में स्टूडेंट्स रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो ये न्यूक्लियस है सेंटर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, प्रोटॉन होता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जबकि न्यूट्रॉन होता है बिल्कुल न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल अलग रहता है। अब देखिए, हमने देखा कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। ये एटम के अंदर एटम से मिलकर मैटर बना है, इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर। आइए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, चार्ज की टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। स्टूडेंट, चार्ज जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। स्टूडेंट ध्यान रखिए, चार्ज को क्यू और स्मॉल क्यू किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए यहां पर सिमिलर चार्ज, जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है दूर दूर जाना। कैसे, देखिए जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, उनमें जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, यानी रिपेल होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वही नेगेटिव नेगेटिव की बात करें तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है। व्हाइल स्टूडेंट हम बात करें अनलाइक चार्ज की, अनलाइक चार्ज, तो स्टूडेंट ये करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब पास पसंद है स्टूडेंट, ये पास पसंद है। देखिए जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक का ध्यान रखिए, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसकी यूनिट्स पर। देखिए, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, यानी कि स्टूडेंट्स चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलॉम। देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलॉम, और कूलॉम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। स्टूडेंट
बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज वो होती है फेराडे। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? फेराडे। एक फेराडे इक्वल होता है 96500। यहां रखिए फेराडे को अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक फेराडे 96500 कूलम होता है, ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार एक स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, स्मॉलेस्ट उसके सीजीएस में बोलते हैं अपन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो होती है ESU। इसको लिखते हैं अपन इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। अब देखिए एक कूलम इक्वल टू होता है 3×10⁹ ESU और इक्वल टू होता है 3×10⁹ FR, फ्रैंकलिन। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो होती है ESU, और एक कूलम बराबर होता है 3×10⁹ ESU और इक्वल टू 3×10⁹ फ्रैंकलिन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे आइए, एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जो चार्ज होती है, चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करती हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो एटम होता है उसमें तीन पार्टिकल होते हैं, मैं देखा था अभी और वक्त, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। यानी कि एटम है पर तीन पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद एक एलिमेंट्री पार्टिकल ही, खुद बेसिक पार्टिकल एक तरह से समझिए, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं क्वार्क। अब देखिए क्वार्क दो तरह के हैं, कौन कौन से देख लीजिए, एक होता है अप क्वार्क और दूसरा डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइटेस्ट पार्टिकल, फर्स्ट लाइटेस्ट पार्टिकल, जबकि ये होता है सेकंड लाइटेस्ट। फर्स्ट लाइटेस्ट अप क्वार्क, सेकंड लाइटेस्ट डाउन क्वार्क। देखिए मास के अकॉर्डिंग समझ लेंगे अपन, इसका होता है 2.2 सी स्क्वायर और इसका होता है 4.7। देखिए ये हल्का है, ये भारी है, ये लाइट है और ये इससे हैवी, कहने मतलब चार्ज की बात करें तो चार्ज इस पे होता है +2/3 E, इस पे -1/3। ये होते हैं हमारे अप और डाउन क्वार्क दो प्रकार के। अब बात यह सर हमने इसकी स्टडी क्यों की, तो देखिए हमने अभी बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब वो सब पार्टिकल कौन कौन से, वो है अप और डाउन क्वार्क। वैसे क्वार्क बेसिकली छह टाइप के होते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल दो ही होते हैं, दरअसल हम दो को डील करते हैं। अब देखिए हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, किस तरह से देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटॉन होता है उसमें होते हैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, जबकि अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और दो डाउन क्वार्क होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा, हम किस तरह से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है
जिस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, आपको चार्ज लाना है तो किस तरह से लाओगे? तीन मेथड है, देखिए इनको बोलेंगे चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग मेथड्स देखिए, सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को समझने के लिए हम दो बॉडी लेते हैं, वी कंसिडर टू बॉडीज, एक एली और दूसरी एली बी। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों ही अनचार्ज हैं, दोनों ही बॉडी कैसी है? अनचार्ज, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी। हमने क्या किया, फ्रिक्शन में क्या करते हैं, दोनों ही अनचार्ज बॉडी को पास में लाते हैं, उनको रब करते हैं, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं उनमें। जैसे पास में लाएंगे, दोनों बॉडी को रब करेंगे तो होगा क्या, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी पर पहुंच जाएगा, यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। इस तरह से मान लीजिए हमने कंसिडर किया कि मान लीजिए ए बॉडी से बी पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, हमने क्या किया यहां पर, फ्रिक्शन किया हुआ। तो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन गए, यानी ए पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, शॉर्टेज हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, जबकि बी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो स्टूडेंट आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती हो तो कमी को रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव साइन से, यानी स्टूडेंट ए पर क्या आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे उन पर पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जो बी है वो चार्ज को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सो इस पर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनिशियली ए एंड बी दोनों बॉडी कैसी थी, अनचार्ज, लेकिन फाइनली कैसी होगी, चार्ज बॉडी, पर अपोजिटिवली चार्ज हुई, अपोजिटिव मतलब एक पे पॉजिटिव दूसरी पर नेगेटिव, ये है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, जबकि ये है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए, दो बॉडी लेते हैं, दोनों ही अनचार्ज होती हैं, फिर दोनों ही बॉडी में क्या करवाते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, यानी उनको रगड़ते हैं। जैसे फ्रिक्शन करवाएंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होंगे, जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकले उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और कमी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, तो ए पे कमी हुई तो ए पे पॉजिटिव, जबकि बी ने क्या इलेक्ट्रॉन लिया तो यानी नेगेटिव ज्यादा पड़ गया, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन नेगेटिव से। इस प्रकार दोनों बॉडीज क्या हो गई, इंडिविजुअली अपोजिटिवली चार्ज। अब स्टूडेंट्स अगला जो मेथड है हम वो डिस्कस करेंगे, वो है आपका कंडक्शन। देखिए कंडक्शन क्या कहता है, सेकंड मेथड कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या करते हैं, अगेन दो बॉडी लेते हैं, लेकिन इस बार एक बॉडी को हम लेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हमने ए को ले लिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जबकि जो बॉडी बी है उसको अनचार्ज रखा अपने, तो ये तो कैसी होगी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जबकि ये कैसी होगी, अनचार्ज बॉडी। देखिए ये कैसी बॉडी होगी, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी क्या करते हैं, कंडक्शन में स्टूडेंट दोनों बॉडीज को पास में लाकर टच करवाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, टच करवा देते हैं एक दूसरे के। तो कांटेक्ट में लाने के दो मेथड है, या तो पास में लाकर टच करवा दीजिए, या कि दोनों बॉडीज को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। तो ये ए पर पॉजिटिव साइन है, मैंने क्या किया, ए को कनेक्ट कर दिया थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। जैसे ए को बी के साथ जोड़ा, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर क्या होता है ये देखिए, कंडक्टिंग वायर एक ऐसा वायर होता है जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करते हैं। तो ए पर चार्ज ज्यादा है, बी पर नहीं है,
तो ए से बी पर चार्ज कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ये किस तरह से होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा दो पानी की टंकियां होती हैं, एक भरी हुई होती है एक खाली होती है। तो भरी हुई से पानी खाली में जाता है कब तक? जब तक कि दोनों बॉडीज पर पानी इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा। तो यहां पर क्या होगा, ए से बी पर चार्ज जाएगा, पर कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज इक्वल एंड हाफ फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज ए पर तो था ही, लेकिन अब बी पर भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इनिशियली बी बॉडी कैसी थी? अनचार्ज थी, लेकिन फाइनली कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो दोनों बॉडी कैसी है अब यहां पर? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, दोनों ही कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए अब तक के इस पॉइंट में। चलिए आगे आते हैं स्टूडेंट। देखिए अब चलते हैं अपना थर्ड मेथड, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए एक हम लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को हम क्या करते हैं पास में लाते हैं और कनेक्ट करते हैं थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, टच में लिया था कहने का मतलब। कंडक्टिंग वायर का रोल क्या है? चार्ज को फ्लो करता है इजीली। तो चार्ज ए सी बी पर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों बॉडी पर चार्ज इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो देखिए ए और बी पर चार्ज आ गया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इस बी पर चार्ज कितना, आपको दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए इस पर मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज लिया था, तो क्यू चार्ज इससे इस पर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक दोनों बॉडीज पर चार्ज हाफ हाफ ना हो जाए, इक्वल रूप ना हो जाए। अब हाफ इक्वल कब हो सकता है? जब हाफ हाफ जाएगा। तो यानी इस पर भी क्या क्यू बाय टू चार्ज और इस पर भी क्या क्यू बाय टू चार्ज। एक और तरीके समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर 10 ग्राम चार्ज लिया होता, ए पर 10 ग्राम चार्ज हमने कंसीडर कर लेते कि ए पर जो चार्ज है वो 10 ग्राम है। अगर ए पर चार्ज 10 ग्राम होता तो यहां से 10 ग्राम यहां पर कितना जाता? 5 ग्राम, और इस पर भी कितना रहता? 5 ग्राम। तो यहां पर 5 ग्राम देखो हाफ हो जाता। इस तरह से देखो फिर से हम बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। अगला ये स्टूडेंट्स इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्ड मेथड है इंडक्शन, हम उसे डील करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फाइनल मेथड इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है और एक हम लेते हैं अनचार्ज बी, ये तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये हो गई अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर हम दोनों बॉडीज को पास में लाते हैं, टच में नहीं करवाते, पास लाते हैं। तो ए पर क्या था? पॉजिटिव। स्टूडेंट इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां आना पड़ेगा। देखिए बी बॉडी कैसी है? अनचार्ज। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बी बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव है? तो ऑटोमेटिकली नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। अब इस कंसेप्ट को यहां अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे मैं बॉडी ए और बी को एक दूसरे के क्लोज लाया, पास पास में लाया, तो ए पे जो चार्ज है ना पॉजिटिव, उसकी वजह से बी के नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे और कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे बी के अंदर वो रिपेल होकर बी साइड चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे बी साइड पे गए इसको क्या कर दो? ग्राउंड कर दो। बी के बी साइड को ग्राउंड किया तो जितने पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड के कारण क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। तो बॉडी बी पे ओनली क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ए पर तो पॉजिटिव चार्ज था ही, लेकिन जो बी है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ओनली नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कहां चला गया? ग्राउंड में। अब क्वेश्चन यहां यह आता है कि सर इस बी पर चार्ज कितना आया? सही बात है, बिल्कुल पूछने वाला क्वेश्चन है, बनता भी है। तो देखिए कंसिडर कीजिए उसके लिए कि ए पर जो हमने चार्ज लिया वो क्यू था,
तो ए पर चार्ज तो क्यू है, लेकिन बी पर हमने कंसिडर किया कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, क्यू डैश। अब इस क्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्यू डैश बराबर होता है माइनस का क्यू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से इस बी बॉडी पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और, ये एप्सिलॉन आर क्या है स्टूडेंट? एप्सिलॉन आर है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या है एप्सिलॉन आर? क्या है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब मेटल्स के लिए अगर इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन को से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्यू आएगा, यानी क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस के क्यू के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बात करें मेटल्स की, तो इस बी बॉडी पर जो चार्ज इंड्यूस होगा इंडक्शन के कारण वो ए के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेचर मतलब ए पर अगर पॉजिटिव था तो बी पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इंडक्शन है। एक बार फिर से देख लीजिए, इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते हैं और एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को पास में लाते हैं। हमें पता है बी के अंदर पॉजिटिव इक्वल है नेगेटिव चार्ज के, तो जैसे पास में लाते हैं तो इस ए के जो पॉजिटिव चार्ज है उनके इफेक्ट के कारण बी के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, जबकि पॉजिटिव रिपेल होकर बैक साइड। फिर क्या कर देते हैं, हम ग्राउंड कर देते हैं। यहां पर ग्राउंड कर रखा है हमने, ग्राउंड कर देते हैं। जैसे ग्राउंड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर होते हैं, तो बॉडी बी पर कौन सा चार्ज बच गया, ओनली नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस क्यू बी पर चार्ज कितना आया, तो बी पर चार्ज आया, इस फॉर्मूले से पता चलता है हमारे को बी पर चार्ज कितना है। या एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ये आपका ओवरऑल इंडक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट देख लीजिए एक बार और नोट की लीजिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे आइए, देखिए स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में पूरे कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरे चैप्टर डील करेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल भी लेते हुए चलेंगे, ताकि आपके लिए फिजिक्स ज्यादा टफ ना लगे, इजी तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। अब देखिए अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज का एडिटिव नेचर। इसका मतलब क्या है वो समझिए। सपोज करिए स्टूडेंट्स, एक बॉडी ली हमने, इसमें बहुत सारे चार्ज है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डेडेडेस क्यू एन। तो स्टूडेंट इस बॉडी या सिस्टम जो भी है, हम बॉडी लो या सिस्टम लो, इस बॉडी का अगर चार्ज पूछे कितना चार्ज है, टोटल बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, तो दैट विल बी जितने भी चार्ज है उन सबका आप एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। ये लीजिए, तो ये टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या हुआ, देखिए यहां पर द चार्ज on a system is the algebraic sum of charges present in that is the algebraic sum algebraic sum of charges present in that system। और ये आपका मीन हो गया इसका। देखिए the charge on a system is the algebraic sum, algebraic sum यहां पर ध्यान रखिए, ये
एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। तो इस सिस्टम में कितने चार्ज देखो, Q1, Q2, Q3, Qn चार्ज है, तो इन सब का हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिक सम। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम भी बेसिकली दो टाइप के पड़ते हैं, एक होते हैं एल्जेब्रिक सम, दूसरे होते हैं वेक्टर सम। एल्जेब्रिक सम में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, सिंपली उनको ऐड कर देते हैं, जबकि वेक्टर सम में क्या होता है, हमें डायरेक्शन को भी ही शो करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सिस्टम है, इस सिस्टम में 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम चार्ज है और एक है माइनस के 4 कूलम चार्ज। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं सिंपल सा ऐड कर दो, 2 + 3 + 5 माइनस का 4, कितना आ गया ओवरऑल क्यू की वैल्यू, यहां से सोल्व करेंगे तो 3 × 5 = 10 × 10 − 4 किया तो 6 कूलम चार्ज, ये इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आ गया, 6 कूलम। तो ये है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only be transferred from one body to another। स्टूडेंट्स ये तो हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का कांस्टेंट रहना। अब चार्ज में हमने देखो समझते हैं इसको, तो हमने स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में एक प्रोसेस किया था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में देखिए दो बॉडीज थी, हमने दोनों बॉडीज को रगड़ा था, रब किया था, फ्रिक्शन करवाया था, तो ए से इलेक्ट्रॉन बी पर गया था, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए से बी पे हुआ। क्या हमने यहां पर कोई नया इलेक्ट्रॉन नया चार्ज जनरेट किया, नहीं। क्या चार्ज को डिस्ट्रॉय किया, नहीं, बस सिर्फ क्या किया है, ए से बी पर ट्रांसफर किया है। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, चार्ज तो हमेशा ही कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, चार्ज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ये हमारा सिंपल सा मेथड है। अब इसको एक हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, और रिएक्शन है स्टूडेंट रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन है। इससे देखते हैं, ये आपको अभी नहीं भी धारा था, आप समझ लीजिए ओनली, क्योंकि आगे आएगा जब सिलेबस अपन स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स में क्या होता है, 92 यूरेनियम 235 है, ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। जब इस डीके होता है इसमें तो ये बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है 90 थोरियम 231 प्लस अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो एक अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। तो इस तरह देखिए 92 में से दो बाहर निकल गए, हीलियम ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो 92 में से दो बाहर निकला तो बच गया 90, और 235 में से 4 गया तो बच गया 231। तो स्टूडेंट इस साइड कितने चार्ज है टोटल, 92, देखिए q इक्वल टू 92 है, इस तरफ यहां पर q कितने हैं 90 और यहां पर कितना है q 2, ओवरऑल कितना हो गया 92 इक्वल टू 92। तो देखिए चार्ज कंजर्व है, बिफोर रिएक्शन 92 था, आफ्टर रिएक्शन भी
92 है, इसका मतलब चार्ज क्या है? कंजर्व है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आएंगे स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और इसी के ऊपर हम थोड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन का मीन होता है स्टूडेंट फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। अब देखिए ये फिक्स्ड अमाउंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। द चार्ज ऑन द चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज किसी भी बॉडी पर, मैं चार्ज निकाल रहा हूं, तो देखिए चार्ज क्या होता है किसी बॉडी पर, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी कि जो बोला गया बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, इसका मतलब यह है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स स्टूडेंट्स क्यू बराबर क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, इस फॉर्मूले से हम चार्ज निकाल सकते हैं किसी बॉडी पर। यह क्या है, एन रिप्रेजेंट इंटीजर, इंटीजर, और ये क्या है स्टूडेंट्स वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और स्टूडेंट्स वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है 1.6 इनटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने देखा था जब भी कोई दो बॉडीज को हमने फ्रिक्शन किया था, यानी रगड़ा था, तो देखिए स्टूडेंट्स दो बॉडी को रगड़ा तो ए पे से इलेक्ट्रॉन बी पे ट्रांसफर हुआ था, बहुत अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर देखिए ए से बी पर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन। अब ये फिक्स्ड अमाउंट है, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन चार पांच, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ए से बी पर। क्या ऐसा हो सकता है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन दोनों जाएंगे? जाएगा फिक्स अमाउंट का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यानी स्टूडेंट्स ए से बी पर क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब ए से बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए फिक्स अमाउंट के इलेक्ट्रॉन के, तो देखिए समझिए यहां पर मैंने लगाया प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगाया, समझना इसे। अगर मैं बोलूं ए से बी पर इलेक्ट्रॉन गया, अगर मैं बोलूं कि बताइए ए पर चार्ज कितना आएगा, तो आपका आंसर सिंपल सा बोल दो कि क्यू बराबर एनी फॉर्मूला निकाल दो, लेकिन प्लस लगेगा माइनस लगेगा, देखिए वो समझिए। ए से इलेक्ट्रॉन गया है तो ए पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, तो इसलिए हम यहाँ क्यू बराबर प्लस एनी यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें बी पर निकालना हो तो बी पर क्या लगाएंगे, माइनस एनी। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो हो सकता है प्लस माइनस 1e के इक्वल, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e और डेड इट इज। अभी प्लस माइनस क्यों आपको पता चल गया होगा, प्लस तो उस बॉडी के लिए जिसपे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और माइनस उस बॉडी के लिए जिसपे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओवरऑल आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज नेक्स्ट पॉइंट है, इनवेरियंस ऑफ
चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी चार्ज की। देखिए नाम से मेंशन हो रहा सब कुछ, इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब जो वेरी नहीं करे। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए, इस पर 10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 10 कूलम। इनिशियली एक बॉडी ए पर 10 कूलम चार्ज है। ये बॉडी है एट रेस्ट। जब ये बॉडी मूव करके मूव करेगी तो मान लीजिए यहां आ गई, तो मूव करेगी तो इस मोशन स्टेट पे क्या चार्ज की वैल्यू चेंज होगी? नहीं स्टूडेंट, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि इनिशियली हमने पढ़ा था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है, भले वो रेस्ट में हो भले मोशन में हो। अब इस पे कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए बोल दे कि एक बॉडी है जिस पर क्यू चार्ज है, बॉडी रेस्ट पर है, तो बताइए जब मूव करेगी तो चार्ज कितना होगा? क्या चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। बढ़ेगा घटेगा? कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपका आंसर होना चाहिए कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इनवेरियंस है। अब आइए आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। स्टूडेंट न्यूमेरिकल से पहले आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। देखिए क्या स्टूडेंट, हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में। देखिए मिली कूलम, मिली कूलम को शॉर्ट में लिखते हैं अपन इस तरह से एम सी, और ये होता है 10^-3 कूलम के इक्वल। स्टूडेंट्स अगला आता है माइक्रो कूलम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यूसी से, और इक्वल टू होता है 10^-6 कूलम। नेक्स्ट होता है नैनो कूलम, और ये होता है इस रूप में, और ये होता है 10^-9 कूलम। ये तीनों हमें ध्यान रखने होते हैं। देखिए कैसे, एक माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10^-3 कूलम के, सॉरी एक मिली कूलम 10^-3 कूलम के, एक माइक्रो कूलम 10^-6 कूलम के, एक नैनो कूलम 10^-9 कूलम के इक्वल होता है। देखिए और देखिए एक टेबल और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, तो मैं ये सब कुछ चीजें पहले बता रहा हूं आपको। देखिए टेबल क्या कहती है, देखिए ये है पार्टिकल, यहां पर यहां लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है इन पार्टिकल पर चार्ज की, और ये इनका मास। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10^-19 कूलम, और इसका मास होता है 9.1 × 10^-31 केजी। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10^-19 कूलम। चार्ज दोनों पे सेम होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मास होता है 1.672 × 10^-27 केजी। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, लेकिन इसका मास क्या होता है 1.674 × 10^-27 केजी। ये होता है स्टूडेंट्स। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा, इसलिए आपको ये टेबल्स याद होनी जरूरी है। चलिए आइए आगे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए एक बॉडी आपकी, इसको अपन ने दूसरी बॉडी बी से क्या करवाया? फ्रिक्शन करवाया इन दोनों में, इन दोनों में हमने क्या करवा दिया? फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन करवाने से क्या हुआ? ए से बी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए 10^10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए।
10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए ए से बी पर। तो ऑब्वियस है ए से इलेक्ट्रॉन बी पर गए यानी बी पर इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए बी पर चार्ज की वैल्यू कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए हमें पता है क्यू इक्वल टू एन ई, लेकिन बी पर पूछ रहा है तो बी पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नेगेटिव तो माइनस, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एन की वैल्यू कितनी है, ये देखिए एन की वैल्यू कितनी होगी, ये रही 10 की पावर 10 है, तो 10 की पावर 10 और ये ई यानी वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी 1.6 × 10 की पावर -19, ये थी कूलम्ब थी। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10 की पावर 10 × 10 की पावर -19 बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है एड, तो Q इक्वल टू 1.6 × 10 की पावर -9 कूलम्ब, ये आपका आंसर, सिंपल बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखिए ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइए आपसे अगला क्वेश्चन जो है वो अगर ऐसे पूछ लिया जाए देखिए क्वेश्चन क्या है अगला वो ये है कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा को अपन ऐसे लिखते हैं अल्फा पार्टिकल, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा देखिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स हमने देखा था हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है यानी कि 2e4, यही था एक अल्फा पार्टिकल क्या है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। अब देखिए हीलियम न्यूक्लियस में हम ऑर्बिट की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि न्यूक्लियस तो ये होता है, तो इस न्यूक्लियस में जो चार्ज पार्टिकल वो कौन सा है प्रोटॉन, तो कितने प्रोटॉन होंगे यहां पर 2 प्रोटॉन, यानी कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा 2 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर होगा स्टूडेंट, और q इक्वल टू क्या होगा n इंटू e, q इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 2 और प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम्ब, यह आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है ठीक है स्टूडेंट्स।